बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से आपका दोस्त मोहम्मद उमैर खान हाजिर खिदमत। कल दोस्तों हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस कितनी तरह की होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कितनी तरह की होती हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के और कौन कौन से एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज को डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, पैकेजेस के बारे में बताया था, और देन फिर हम लोगों ने कंप्यूटर के डिफरेंट फील्ड्स को जो है डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को तफसील से बताया था कि नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, डेटाबेस क्या चीज़ होती है, ईआरपी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, आईओटी किस ब्लॉक का नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, रोबोटिक्स क्या चीज़ है, ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग में, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग के अंदर क्या फ़र्क है। मतलब हम लोगों ने डिटेल के साथ जो है कंप्यूटर के डिफरेंट डोमेन्स को जो है डिस्कस किया था। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है डे वन पे जो है एक असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने सर्च करके आना है कि आईटी के जो है वो यूज केसेस क्या हैं और कितनी तरह की जॉब जो है वो अवेलेबल है। जब आप आईटी की डोमेन में आते हो तो इसके अंदर जो है ना हंड्रेड्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स टाइप की जो है ना जॉब्स वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। तो हम लोगों ने कल एक ओवरव्यू लिया था आईटी के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से कि वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकें, कि वो मालूमात का तबादला कर सकें, तो उसको हम लोग जो है वो नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर की एक जो सिग्निफिकेंट डोमेन है जिसके अंदर जो है बहुत सारी जॉब्स जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड है, लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, नेटवर्क इंजीनियर की होती है, नेटवर्क मैनेजर की होती है, नेटवर्क डायरेक्टर की होती है, नेटवर्क आर्किटेक्ट की होती है, फिर नेटवर्क के अंदर जो है बेसिक इसकी दो किस्में हैं, लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, और देन फिर उसके बाद फर्दर इसकी जो सब कैटेगरीज हैं कोई 12 या 14 सब कैटेगरीज भी हैं इन दो बेसिक कैटेगरीज के अलावा। हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लैंड के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो, आप लोग वैन के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो, फिर इसके अलावा नेटवर्क एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं, L1 जो है बिल्कुल लेवल 1 जो बिल्कुल बिगिनर कह लेंगे जिसने ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई जो भी कोई आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करना, उस इशू को रेक्टिफाई करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं L1 इंजीनियर। फिर उसके बाद जो है L1 जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का इंजीनियर होता है, L2 जो है उससे ऊपर वाले लेवल का इंजीनियर है, और L3 जो है वो एडवांस लेवल की जो ट्रबल शूटिंग करता है उसको बोलते हैं। तो ये मतलब नेटवर्क की अगर सिर्फ बात करते हो ना, नेटवर्क के अंदर बेशुमार जो है वो डेजिग्नेशन और बेशुमार टाइटल्स जो है वो जॉब्स के हवाले से जो अवेलेबल है। तो हमारे इस कोर्स के अंदर जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि इस कोर्स का नाम है हम लोगों का PNC प्रैक्टिकल नेटवर्किंग कोर्स। इसके अंदर हम लोग नेटवर्किंग को भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, L1 L2 ट्रबल शूटिंग को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर जो है हम लोगों का मेजर फोकस जो है वो ऑन प्रीमिसेस सर्वर के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी होगा, और हम वर्चुअलाइजेशन को भी देखेंगे। मतलब ये जो है वो कोर चीज़ें हैं, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर आप लोग जो है ये 3 माह जो है वो सही तरीके से लगा लेते हो और इसके आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग 6 मंथ के अंदर जो है आप एक अच्छी रीजनेबल जो है ना वो सैलरी वो आप मार्केट के अंदर गेन कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। अच्छा, नेटवर्क जो है कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए 2 चीज़ों की बुनियादी जरूरत होती है, एक होती है कनेक्टिविटी और दूसरा कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी जो है अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम सब लोगों ने आपस में बातचीत करनी है तो सबसे पहले हम लोग एक कमरे के अंदर हम लोग इकट्ठे होंगे, एक जगह पे हम लोग इकट्ठे होंगे। जब एक जगह पे हम लोग इकट्ठे हो गए हैं तो एक दूसरे को सुन भी सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं और एक दूसरे तक अपनी आवाज़ पहुंचा भी सकते हैं। अब दरमियान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे वॉइस के सिग्नल को कैरी कर रही है, वो दरमियान में कमरे में जो है ना वो एक एयर है। एयर जो है ना एक बेहतरीन मल्टीप्लेक्सर है। हवा के अंदर जो है ना बेशुमार चीज़ों के सिग्नल्स जो हैं, लाइट के सिग्नल्स भी होते हैं, साउंड के सिग्नल्स भी होते हैं और वाईफाई के सिग्नल्स भी हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होती है इसके अंदर, और मतलब बहुत सारी चीज़ों के जो है ना
सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन जो है ना हम लोगों की एयर होती है, और इस वजह से एयर को कहा जाता है कि एयर एक जो है मल्टीप्लेक्सर, इसलिए टर्मिनोलॉजी बोली जाती है नेटवर्क के अंदर, जो आगे चल के हम लोग डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे मल्टीप्लेक्सर। तो कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले फिजिकल कनेक्शन का होना जो है वो जरूरी है। कल मैंने आप लोगों से जैसे डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों के पास दो लैपटॉप हैं और उन दो लैपटॉप्स का हम आपस में कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम उन्हें रस्सी के साथ आपस में बांध देंगे तो उनका नेटवर्क नहीं बनेगा। चलें, किसी ने एतराज ये किया कि रस्सी जो है या रोप जो है वो कंडक्टर नहीं है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, उसमें से सिग्नल जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते। हम लोगों को कोई जो है आयरन रॉड या कॉपर वायर हम लोगों को लेनी चाहिए, कॉपर वायर लेके हम लोग जो है फिर कंप्यूटर्स को आपस में टाई अप कर दें, उनको जो है ना हम लोग जोड़ दें। तो क्या फिर, या हम लोग एक लोहे का रॉड लेके आपस में वेल्ड कर दें दो सीपीयूज के दरमियान, तो क्या नेटवर्क बन जाएगा उनका? कतन नहीं बनेगा, बल्कि आप लोगों को प्रॉपर मीडियम जो है ना आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको जो है ना उसके दोनों कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे सीपीयू के अंदर एक डिवाइस लगती है जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें इसको निक भी बोलते हैं, इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, और हमारे लैपटॉप में ये वायरलेस लैन के नाम से होता है, वायरलेस लैन कार्ड। ये हम लोगों ने अपने लैपटॉप के ऊपर नेट चलाना है तो या तो हम लोग केबल लगा सकते हैं, RJ45 कनेक्टर होता है, इंशाल्लाह आगे चलकर डिटेल से ये सारे कनेक्टर्स और केबल टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। या अगर हम लोग केबल नहीं लगाते तो हमारे घर में एक वाईफाई मॉडम मौजूद है जिसके जरिए से हमारा लैपटॉप के अंदर लगा हुआ वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो है वो सिग्नल्स को कैच कर रहा है, सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है और नेट से कनेक्ट हो जाता है। तो कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है वो कनेक्टिविटी है, और देन उसके बाद कनेक्टिविटी के बाद दूसरी बुनियादी चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। कि सिर्फ कनेक्शन का एस्टेब्लिश कर देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है हम लोग कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है कि नेटवर्क के अंदर बोली जाने वाली जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। मिसाल के तौर पर हम लोग 10-15 लोग यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे हैं, आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, एक शख्स उर्दू बोलता है, दूसरा इंग्लिश बोलता है, तीसरा पंजाबी बोलता है, चौथा उर्दू, चौथा जो पश्तो लैंग्वेज में बात करता है, पांचवा जो अरबी के अंदर बात करता है, तो सारे ही जो है ना अपनी अपनी बोली बोलेंगे, कोई किसी की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टाइप्स की डिवाइसेस हैं और उनकी आपस में आप कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज हो, तो नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू के अंदर हम लोग आपस में सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे भी कर सकते हैं, दूसरे का रिसीव भी कर सकते हैं, उर्दू को सारे के सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेटवर्क बनाने के लिए कनेक्टिविटी के बाद जो दूसरी बुनियादी चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? आप लोगों को मुख्तलिफ किताबों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलेंगी। मतलब विलियम स्टर्लिंग जो है एक मशहूर आथर है जिसने जो डेटा कम्युनिकेशन के नाम से एक बुक लिखी है जो कि हमारे BCS MCS वगैरह में पढ़ाई जाती है, या टेनबॉम की बुक पढ़ाई जाती है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की डेफिनेशन लिखी हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मुख्तसर सी और सादी सी और आसान सी डेफिनेशन आपको बताऊँ कि व्हेन टू आर मोर देन टू डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा इज कॉल्ड अ नेटवर्क। कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को, अब यहाँ पे लफ्ज मैंने डिवाइस यूज किया, यहाँ पे लफ्ज मैं कंप्यूटर नहीं यूज कर रहा, लैपटॉप नहीं यूज कर रहा, क्योंकि एक साइड पे कंप्यूटर हो सकता है, दूसरे साइड पे प्रिंटर हो सकता है, या एक साइड पे एक डेस्कटॉप है, दूसरे साइड पे लैपटॉप है, या एक साइड पे आपकी क्लाइंट मशीन हो सकती है, दूसरे साइड पे आपका सर्वर हो सकता है, या एक साइड पे आप लोगों के पास जो है कोई टर्मिनल हो सकता है, दूसरे साइड पे आप लोगों के पास जो है कोई राउटर या स्विच हो सकता है। तो यहाँ पे वर्डिंग मैंने यूज किया, व्हेन टू आर मोर देन टू डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा इज कॉल्ड अ नेटवर्क। जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में इस तरह से जोड़े कि वो डेटा का एक्सचेंज कर सकें, तो इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो अब नेटवर्क की जो हम अगर एग्जाम की बात करते हैं कि ये आगे जो है इस स्लाइड के ऊपर भी नेटवर्क को जो है वो थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। कि कंप्यूटर्स का ऐसा मजमूआ जो कि आपस में इस तरह से कनेक्ट हो कि दरमियान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी हों,
और मीडिया के ट्रांसमिशन जिनके दरमियान में पॉसिबल हो उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आर यू कैन से कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज कॉमन कनेक्शन प्रोटोकॉल फॉर शेयरिंग वेरियस रिसोर्सेज एंड फाइल। अच्छा, रिसोर्स एंड फाइल से मुराद यहाँ पर ये है कि दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप कोई फाइल सेंड करना चाह रहे हो, या आपके पास 10 कंप्यूटर लगे हैं और उनके साथ में एक जो है वो प्रिंटर जुड़ा हुआ है। अब वो 10 के 10 यूजर जो है वो जब उन्हें प्रिंट लेना होता है तो प्रिंट की कमांड देते हैं, तो सेंट्रल जो प्रिंटर लगा हो वहां पे वो कमांड जाती है। तो रिसोर्स आप लोगों का कोई जो प्रिंट भी हो, प्रिंटर भी हो सकता है, रिसोर्स आप लोगों का कोई फाइल या फोल्डर भी हो सकता है, रिसोर्स आप लोगों का कोई ईमेल भी हो सकती है, रिसोर्स के अंदर फाइल फोल्डर प्रिंटर कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है। और यू कैन से यू कैन एस्टेब्लिश अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन यूजिंग आइदर केबल और वायरलेस मीडिया। अच्छा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कंप्यूटर्स का कनेक्शन बनाने के लिए या तो आप लोग केबल लगाते हो अपने लैपटॉप के अंदर, या फिर केबल के बगैर भी आप लोगों का कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, और वो वायरलेस लैन उसको बोलते हैं, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वायरलेस लैन कार्ड जिसको कहते हैं, उसके जरिए से वो आपके मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है। एवरी नेटवर्क इन्वॉल्व्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड टूल्स। हर नेटवर्क के अंदर जो है ना कुछ हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, कुछ सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए दो बुनियादी शराइत का होना जरूरी है, कनेक्टिविटी और दूसरा उनकी कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है उसके लिए आप लोगों को सर्टन प्रोटोकॉल अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है किस लैंग्वेज के अंदर होगी, किन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल को अगर डिफाइन करें हम तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होगी, यू कैन से दैट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न्स टू द कम्युनिकेशन। कि ये कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं रूल रेगुलेशन के, जो कि आपके कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को जो है वो मॉनिटर करते हैं, उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से किस पैटर्न को यूज करते हैं हमें आपस में बातचीत करनी है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी कि जिस तरह हम लोग उर्दू लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज होती है वो TCP/IP के फॉर्म में हो सकती है। अभी फिलहाल ही आप ये लफ्ज नोट कर लें TCP/IP, बाद में इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। TCP stands for Transmission Communication Protocol /IP stands for Internet Protocol, TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol। इसके अलावा जो है ना और बहुत सारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं, NW Link भी हो सकता है, NetBI भी हो सकता है, तो फिलहाल लेकिन आप सिर्फ एक ही याद रखें TCP/IP। अमूमी तौर पे जितनी हमारे डिवाइसेज जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे आप लोगों का वो पाम टॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, आपका घर में लगा हुआ कोई नेटवर्क प्रिंटर है या इंटरनेट मॉडम है, वो सारे के सारे डिवाइसेस आपस में जो बातचीत कर रही होती हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल के जरिए से बात कर रही होती है। ठीक है, अभी TCP/IP प्रोटोकॉल किस बला का नाम है इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द जियोग्राफिकल एरिया दे कवर्स। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर हो, एक बिल्डिंग के अंदर अगर 8-10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक लैन है। और अगर आपका डिफरेंट बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या डिफरेंट सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, या अभी हम लोग जो सारे लोग आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इस वक्त UAE के अंदर हैं, कुछ USA के अंदर हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, फिर पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, कोई लाहौर से कनेक्ट है, कोई सियालकोट से कनेक्ट है, कोई गुजरांवाला से कनेक्ट है, तो ये जो है ये हम लोगों का कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट जो है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन तो ये लिखी है, नेटवर्क कैन बी क्लासीफाइड बाई द जियोग्राफिकल एरिया दे कवर्स। अच्छा, मोस्टली बुक्स के अंदर जो है ना यही बात लिखी हुई है कि एक बिल्डिंग के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो नॉर्मल हालात के अंदर जो है ना वो लैन के जरिए से ही कनेक्टेड होती है, लेकिन ये हर वक्त जो है ना डेफिनेशन ट्रू नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग की अगर बात कर रहे हैं कि मैं एक बिल्डिंग के अंदर मेरे पास जो है मेरा मोबाइल है और उस मोबाइल के ऊपर मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मैंने इतने सलाब से लिया हुआ, और मीनवाइल मेरे ही घर के अंदर एक दूसरा फैमिली मेंबर है, उसके पास जो इंटरनेट है उसके मोबाइल के ऊपर जो GSM कनेक्शन चल रहा है वो डू कंपनी का है, या वो पाकिस्तान का PTCL का कनेक्शन है, या कोई वर्जिन कंपनी का है, या किसी भी XYZ कंपनी का। अब हम दो लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं, दोनों ने व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप के थ्रू जो है आपस में बातचीत शुरू कर दी, तो अब दो लोग
जो डिफरेंट टेलकोस को यूज करते हुए आपस में व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहे हैं, इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे या वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे? जी बताएं इसको। ये दो लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए आपस में बातचीत कर रहे हैं और दो डिफरेंट टेलीफोन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा या वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा? जी साथ भाई, वाइड एरिया। वाइड एरिया क्यों कहेंगे? हालांकि हम लोगों ने अभी देखा है कि जी एक बिल्डिंग के अंदर या एक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो है डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं वो लैन कहलाती हैं, और अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स के दरमियान में कनेक्टिविटी हो तो वैन कहलाती है। वो जो डिफरेंट कनेक्शंस की वजह से उनकी कनेक्टिविटी किसी और एरिया में जाके कनेक्ट हो रही है ना, वो वाइड एरिया कवर हो रहा है मेरे ख्याल में। जी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ना उसके अंदर हमेशा जो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी है ना वो लैन कार्ड के थ्रू होगी, मतलब हमारे लैंड कार्ड के अंदर जो है ना वो केबल लगी होगी, जो केबल हमारे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से निकल के किसी एक सेंट्रल डिवाइस के अंदर जा रही होगी जिसको हब या स्विच कहते हैं। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये आप जो है ना वर्डिंग्स या टर्मिनोलॉजीज जो मैं बोल रहा हूँ ये आप नोट करते जाएं, इंशाल्लाह लेटर ऑन जो है ना हम लोग वन बाई वन को इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप कहेंगे कि जी हम लोग किसी के पास भी लैपटॉप के अंदर जो है वो केबल नहीं लगी हुई, तो आप लोगों के लैपटॉप में अगर केबल नहीं लगी हुई तो आप लोगों के लैपटॉप के अंदर एक वायरलेस लैन कार्ड है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड के जरिए से आपका लैपटॉप जो है ना आपके घर के अंदर मौजूद जो है जो वाईफाई का मॉडम है उससे कनेक्टेड है। तो जब भी डिवाइसेस लैन कार्ड के थ्रू या वायरलेस लैन कार्ड के थ्रू कनेक्ट होंगी तो वो कहलाएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अमूमी हालात के अंदर ऐसा ही होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर या लिमिटेड जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो लैन के थ्रू होती हैं, लेकिन हर वक्त हर तरह के हालात में ये डेफिनेशन 100% ट्रू नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम को यूज करते हुए कनेक्ट हो रहे हो। अभी जो मैंने मोबाइल के एग्जांपल दिया, अब वो मोबाइल के ऊपर एक बंदा एक जीएसएम कनेक्शन यूज कर रहा है इतिसलात कंपनी का, और दूसरा बंदा जो जीएसएम कनेक्शन यूज कर रहा है वो डू कंपनी का। अब जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो इंटरनेट तो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। तो जब भी हमारा इंटरनेट बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको हम लोग लैन नहीं कहेंगे, बल्कि उसको क्या कहेंगे कि ये हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की एग्जांपल क्या हो सकती है कि स्कूल के लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब के अंदर अगर 20 कंप्यूटर पड़े हैं वो सारे के सारे एक हब या स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, या वो सारे एक प्रिंटर कॉमन प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो वो उनका एक लैन है। किसी आप दफ्तर में चले जाते हैं, किसी ऑफिस में चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर नादरा का जो है एक सेंटर है जहाँ पे जो है 20 कंप्यूटर पड़े हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। बाबडा के आप ऑफिस में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे जितनी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होंगी वो लैन के थ्रू होंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी इंटरनेट बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, बीच में टेलीफोन लाइन इन्वॉल्व हो जाती है, बीच में टेलको या जीएसएम का लफ्ज आ जाता है या राउटर का लफ्ज आ जाता है, तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो अब जो डू और इतिसलात के जरिए से दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, दरमियान में इंटरनेट इन्वॉल्व है, और एक जो है वो इतिसलात की टेलको सर्विस यूज कर रहा है, दूसरा डू की टेलको सर्विस यूज कर रहा है। अब उनके डिफरेंट टावर्स हैं, डिफरेंट उनके कह लेंगे जी रिसीविंग स्टेशंस हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर उनका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा। तो वो दो लोग जो एक घर के अंदर आपस में व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, लेकिन टेलीफोन के ऊपर उन्होंने अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हुए वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो सिर्फ लेमैन को की अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान अल्फाज में हम लोग ये कह देते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर जो डिवाइसेज पड़ी होती हैं वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स की आपस में कनेक्टिविटी है तो उसको हम लोग वैन कहते हैं। लेकिन समझाने के लिए लॉजिकली मैंने आपको बताया कि हर हालत के अंदर ये डेफिनेशन ट्रू नहीं होगी। आई होप कि लैन और वैन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी कंप्यूटर लैन कार्ड के जरिए वायरलेस नेटवर्क कार्ड के जरिए कनेक्ट होंगे तो लैन कहलाएगा, और जब भी दरमियान में इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाएगा या टेलीको इन्वॉल्व हो जाएगी या जीएसएम इन्वॉल्व हो जाएगा, टेलीफोन लाइन इन्वॉल्व हो जाएगी, मॉडेम इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा बैंक अकाउंट जो है ना, यहाँ पे एक बैंक है जिसका नाम है एमिरेट्स एनबीडी, एमिरेट्स नेशनल बैंक। तो एमिरेट्स नेशनल बैंक की जो है सपोज अक्रॉस द दुबई, यूए की बात नहीं कर रहा, दुबई के अंदर उनकी फॉर एग्जाम्पल इनकी 50 ब्रांचेज है। अब हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, इस एरिया का नाम है अलनादा, अलनादा टू के अंदर जो है मिसाल के तौर पे एमिरेट्स एनबीडी की सिर्फ एक ब्रांच है। नियरेस्ट एरिया हम लोगों के पास एक और अलकुसेस है, एक डेरा का एरिया है। अब
एक ब्रांच जो है वो अलकुसेस के अंदर है, एक ब्रांच जो है वो डेरा के अंदर है। अब जो अलनादा वाली ब्रांच है, सपोज यहाँ पे इनके 20 PCs या 20 टर्मिनल्स पड़े हुए हैं, तो उनका 20 टर्मिनल्स का एक लैंड बना हुआ है। अलकुसेस के अंदर जो है वहाँ पे 30 कंप्यूटर पड़े हैं, डेरा के अंदर जो है एक बड़ा सेंटर है वहाँ पे उनके सपोज 80 कंप्यूटर पड़े हैं। एक जगह पे 80 कंप्यूटर्स का लैंड बना हुआ है, एक जगह पे 30 कंप्यूटर्स का लैंड बना, एक जगह पे 20 कंप्यूटर्स का लैंड बना है, इस तरह किसी जगह पे 40 कंप्यूटर, किसी जगह पे 50 कंप्यूटर, डिफरेंट डिफरेंट लैंड बने हुए। लेकिन एमिरेट्स एनबीटी की सारी की सारी जो है ना ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड है फाइबर ऑप्टिक के जरिए से, या तो उनके पास जो है ना वो सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए से आपस में कनेक्टेड है, या फिर वो फाइबर ऑप्टिक के जरिए कनेक्टेड है, या फिर वो टेलीफोन लाइन के जरिए से कनेक्टेड है, GSM राउटर के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे विद इन ब्रांच विद इन बिल्डिंग तो लैन बना हुआ, लेकिन जब वो आप 50 ब्रांचों की बात करते हो और किसी ब्रांच के अंदर 20 कंप्यूटर है, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 80, किसी में 100, अब जब लैन और वैन का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। जहाँ पे लैन और वैन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। या इसके दूसरे एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि अगर आप मोटरवे पर सफर करते हैं और आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो दरमियान में डिफरेंट सिटीज से आप लोग गुजरते हो। तो लाहौर से आप निकले हो तो पहला आपका सपोज टर्मिनल आप लोगों का काला शकाकू का आता, पहले मुल्तान इंटरचेंज है, फिर उसके बाद काला शकाकू इंटरचेंज है, देन उसके बाद जो आप लोगों का फिर शेखुपुरा का इंटरचेंज है, और इस तरह डिफरेंट सपोज इंटरचेंजेस हैं जो सुखे किस से भी गुजरता है, भेरा से भी गुजरता है, और सियाल मोड़ से भी गुजरता है, और फिर कलर कार से भी। और जितने इनके जो है इंटरचेंजेस हैं, जब भी गाड़ी किसी इंटरचेंज से इंटर होती है या एग्जिट होती है तो वो उसको एक पर्ची देते हैं या कार्ड देते हैं जिसको, या फिर एक एम टैग लगा होता है जिसको स्कैन करके उस गाड़ी का या व्हीकल का जो है जो भी उनका ऊपर कोई रोड टैक्स होता है वो डिडक्ट किया जाता है कि जी आपने इतना सफर किया, इस टर्मिनल से आप इंटर हुए थे, यहाँ से आप एग्जिट कर रहे हैं आप, तो आप इतने पैसे जो है ना वो पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के जो है ना वो खजाने में जा रहे हैं। तो अब हर एक जो है ना इंटरचेंज के ऊपर 2 बूथ, 3 बूथ, 4 बूथ, 5 बूथ, 6 बूथ, 8 बूथ, 10 बूथ तक बने हुए हैं। मतलब किसी जगह पे 10 कंप्यूटर हैं, किसी जगह पे 4 कंप्यूटर हैं, अमूमी तौर पे 6 या 4 कंप्यूटर हर एक इंटरचेंज के ऊपर होते हैं। तो वो हर एक इंटरचेंज के ऊपर 4 कंप्यूटर्स का या 6 कंप्यूटर्स का लैन बना, लोकली नेटवर्क बना हुआ। लेकिन अक्रॉस द मोटरवे लाहौर से शुरू करें और इस्लामाबाद पे एग्जिट करें, जितने भी आपके इंटरचेंजेस आते हैं, सपोज दरमियान में 10 इंटरचेंजेस हैं, ये 10 के 10 इंटरचेंजेस भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब वो 10 इंटरचेंजेस आपस में जो इंटरकनेक्टेड है, सपोज वो फाइबर ऑप्टिक के जरिए से कनेक्टेड है या वो GSM राउटर के जरिए से आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। या इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो आप लोगों के केबल नेट की है। एक केबल नेट वाला जो है, जिसने आप लोगों के घर के अंदर एक केबल दी होती है जिससे आपके घरों में इंटरनेट चल रहा होता है, अब हर हर घर के अंदर तो लैन केबल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन खुद वो इंटरनेट कहाँ से ले रहे हैं, खुद वो सैटेलाइट से ले रहे हैं या फिर वो किसी ISP से ले रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं। मतलब उनके पास एक वैन का सेटअप लगा हुआ, आगे कस्टमर्स को लैन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी लैन और वैन का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर लोकली नेटवर्क को एक्सप्लेन किया है, नेटवर्क इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम और ऑफिस बिल्डिंग। किसी एक होम के अंदर या ऑफिस की बिल्डिंग में जो नॉर्मली डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, सपोज मेरे घर के अंदर जो है हर एक बच्चे के पास अपना अपना लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, और वो एक हमारे घर में प्रिंटर पड़ा हुआ है कि बच्चों ने अपने स्कूल के कोई असाइनमेंट करनी है तो वो प्रिंटर को प्रिंट की कमांड देते हैं, प्रिंट से जो है ना प्रिंट निकलाते हैं। तो जितने भी लैपटॉप हैं, 3 लैपटॉप हैं, 4 लैपटॉप हैं, और वो प्रिंटर, ये सारे का सारा मेरा लैन कहलाएगा। यहाँ पे देखें आप लोगों को नीचे जो तस्वीर नजर आ रही है, इसके अंदर 5 कंप्यूटर आपको नजर आ रहे हैं, एक प्रिंटर आपको नजर आ रहा है, दरमियान में एक वायरलेस राउटर लगा होगा, और एक आप लोगों का लोकल फाइल शेयर सर्वर है। तो ये एक लोकली नेटवर्क बना हुआ। अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड के अंदर एक बिल्डिंग का जो है ना थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ कि बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स हैं, और किसी फ्लोर के ऊपर जो है ना वो 3 डेस्क पड़े हैं, किसी पर 4 डेस्क हैं, तो हर एक डेस्क के ऊपर जो है ना एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा होगा। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो डिवाइसेज लैन कार्ड के थ्रू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू या इथरनेट कार्ड, जब मैं आप लोगों के सामने लैन कार्ड बोलूंगा या नेटवर्क कार्ड बोलूंगा या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलूंगा या इथरनेट कार्ड बोलूंगा, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सब के सब जो है एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। जब डिवाइसेज लैन कार्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगी तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हम लोगों का कहलाएगा। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी क्लियर। वाइड एरिया नेटवर्क,
वाइड एरिया नेटवर्क क्या चीज होते हैं? नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया यूजिंग मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया। कि जब आप लोगों का नेटवर्क जो है वो डिफरेंट टाइप का आपके मीडिया इस्तेमाल कर रहा है अदर देन लैंड कार्ड, क्या वहां पे टेलको भी, आप लोगों का सेलुलर कनेक्शन भी है, ISP से डायरेक्ट केबल भी आपके पास आ सकती है, या आपके पास फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, या सेटेलाइट चैनल भी आप लोगों का हो सकता है। तो जब डिवाइसेस की कम्युनिकेशन टेलको के थ्रू या आप लोगों के मोडेम के थ्रू या ISP के थ्रू या सेटेलाइट के थ्रू होगी तो वो आप लोगों का वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अमूमी तौर पर वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट चल रहा है ये एक वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है। इंटरनेट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन, इंटरनेट जो है दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। कैन बी अ कलेक्शन ऑफ लैंड्स और वैंस आर द मिक्स ऑफ टू विद अ वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया फॉर इंस्टेंट ए कंट्री आर इवन बियॉन्ड द बॉर्डर। मतलब अब मुख्तलिफ बर आजमों के दरमियान में भी हो सकता है। डेडिकेटेड जो है ना इसके लिए आप लोगों को कह लेंगे जिस तरह लैंड के अंदर हम लोगों के एक ही तरह का हम लोगों ने अगर वो मीडियम यूज करना है एक ही तरह के हम लोगों ने केबल यूज करनी है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ये कंपल्शन नहीं होती बल्कि वैरायटी ऑफ लिंक्स होते हैं आप लोगों के पास, डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास कनेक्शन होते हैं। वो GSM कनेक्शन भी हो सकता है, वो सेटेलाइट कनेक्शन भी हो सकता है, वो आपका सेलुलर कनेक्शन भी हो सकता है, वो आपके फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का अगर आप मीडिया अगर आप यूज करके आप आपस में कनेक्ट हो रहे हो तो वो आप लोगों का वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। जी लैन का और वैन का मैंने आप लोगों को बता दिया, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि लैन और वैन का जो मिक्सचर जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके एग्जांपल मैंने तीन एग्जांपल्स आपको दी कि किसी एक शहर के अंदर बैंक की जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं उसको हम लोग जो है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, या केबल नेट जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या किसी एक शहर के अंदर स्कूलों की नेटवर्किंग जो है वो आपस में हुई है, एक स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, सिटी स्कूल और उसकी डिफरेंट ब्रांचेज आपस में इंटरकनेक्टेड है। या आपको मैंने मोटरवे की एग्जांपल दी कि मोटरवे के ऊपर ट्राल का नाम से एक नेटवर्क बना हुआ है जो मुख्तलिफ इंटरचेंजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप लोगों का। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। अच्छा, पहली दो तो बुनियादी किस्म थी लैन और वैन, ये इसकी बुनियादी अकसाम है। फिर उसके बाद जो है अभी जो है रिसेंटली जो है ना इसके अलावा और बहुत सारी एक क्वेश्चन अभी करना था। जैसे भी आप कह रहे थे ना कि वैन में जो है वो इंटरनेट के अलावा और भी बहुत सारे नेटवर्क्स आते हैं, तो उनकी कोई एक आधी एग्जांपल, क्योंकि हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक इंटरनेट ही आता है। आपके दिमाग के अंदर सिर्फ इंटरनेट ही आता है कि वैन जो है ना इंटरनेट जो है उसकी एक एग्जांपल है। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि एक घर के अंदर अगर दो लोग हैं, या आप ये समझ लें कि जी आप जो है वो घर के अंदर हैं और आपके जो हस्बैंड जो है वो इस वक्त जो है अपने शॉप के ऊपर है, तो आपने हस्बैंड के साथ बात करनी है, तो आप हस्बैंड से बात कैसे करोगे? उन्हें फोन करोगे आप, या फिर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करोगे, या व्हाट्सएप की कॉल करोगे? तो अब आपके पास जो नेट चल रहा है घर में वो आप लोगों के मॉडेम के जरिए से चल रहा है, या आपके पास केबल नेट का कनेक्शन है कि आप जिस लैपटॉप पे बैठे बात कर रही हो उस लैपटॉप के अंदर जो है ना वो केबल नेट की तरफ से केबल आई हुई है। लेकिन भाई के पास जो है जो शॉप के ऊपर है उनके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर कोई केबल नहीं लगी हुई, बल्कि उनके पास सपोज जैज का GSM कनेक्शन है, उनके पास जैज का GSM कनेक्शन है, आपके पास जो है वो केबल नेट का आपके पास केबल लगे हुआ। तो ये आप लोगों के जो आपस में बातचीत होगी ये लैन के थ्रू नहीं होगी बल्कि आप लोगों की वैन के थ्रू होगी। मतलब जहाँ कहीं भी इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ कहीं भी मोडेम इन्वॉल्व होगा, जहाँ कहीं भी टेलीफोन लाइन इन्वॉल्व होगी, वो आप लोगों का वाइड एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। और अगर दोनों जैज के कनेक्शन से ही कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर दोनों जैज के कनेक्शन से कनेक्ट है लेकिन चूंकि दरमियान में टेलीफोन लाइन इन्वॉल्व है ना, GSM कनेक्शन इन्वॉल्व है, तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। या मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त जो है किसी रिमोट एरिया के अंदर है और वहाँ पे जो है किसी टेलीफोन टावर के जो है वो सिग्नल नहीं आते हैं, पाकिस्तान का सपोज नॉर्दर्न एरिया है, या कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त से कोई जानने वाला जो आप लोगों का जो है ना किसी दूसरे कंट्री जा रहा है और वो शिप के थ्रू जा रहा है, अब वो समुंदर के अंदर तो कोई आप लोगों की केबल शेबल नहीं बिछी हुई, अब वो समुंदर के अंदर बैरी जहाज के ऊपर जो इंटरनेट के सिग्नल आ रहे होंगे तो वो कैसे आ रहे होंगे? वो जो है बैरी जहाज के ऊपर जो इंटरनेट के सिग्नल होंगे वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से आ रहे होंगे। कि बैरी जहाज के ऊपर कोई रिसीवर लगा होगा, कोई बूस्टर लगा होगा जो कि सेटेलाइट से जो है ना सिग्नल्स को कैच कर रहा होगा,
बल्कि अभी तो एमरेट्स एयरलाइन ने, कतर एयरवेज ने, इतिहाद एयरवेज ने और जितनी दुनिया की मशहूर एयरलाइंस हैं, इन्होंने ये फैसिलिटी दे दी है कि पैसेंजर जब ऑन बोर्ड होता है, मतलब ड्यूरिंग फ्लाइट भी आप लोगों का नेट चल रहा होता है, तो ड्यूरिंग फ्लाइट कैसे नेट चल रहा होता है, जहाज तो उड़ रहा हवा में जहाज से, तो कोई तार नहीं लगी, कोई फाइबर ऑप्टिक नहीं आ रही, जहाज तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होता है, वो आपके 35,000 फुट की बुलंदी के ऊपर है, तो वहां पे तो आपके टेलीफोन का सिग्नल नहीं आता है। अब वो जो जहाज जो सिग्नल रिसीव कर रहा होता है, वो जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से रिसीव कर रहा होता है। तो ये भी आप लोगों की एक वाइड एरिया नेटवर्क की आपकी एग्जाम्पल। जी यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये मैंने जी, ये मैंने बाय द वे आप लोगों का एग्जाम्पल वो दी थी, एक असाइनमेंट दी थी, और इसका मकसद ये था कि आप लोग इसके बारे में जो है ना खुद थोड़े से जो है ना वो रिसर्च करें, खुद थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें। अच्छा, एक बिल्डिंग है, उसके चार फ्लोर। जी जी, जी ये लैन के लाइक जी सारे राउटर अगर अलग अलग। अच्छा, राउटर के अंदर भी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है वायरलेस राउटर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, और एक होता है लेयर थ्री राउटर। लेयर थ्री राउटर जो है ना, जो कि टेलको से कनेक्ट होता है, जो डिफरेंट टाइप के रूट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। वो आगे चल के इंशाल्लाह जब आईपी एड्रेसिंग हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे घरों के अंदर जो राउटर है, मिसाल के तौर पर घर के अंदर दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर है, तो कुछ घर के अंदर एक ही वायरलेस राउटर लगा हुआ। अब जो पेरेंट्स जो है वो नीचे रहते हैं, अब वो पेरेंट्स जो है वो वायरलेस राउटर से कनेक्टेड हैं, और बच्चे जो हैं उनके अपने लैपटॉप जो हैं या उनके जो डेस्कटॉप हैं या पीसी वगैरह हैं या टैबलेट है, वो भी उसी एक वायरलेस राउटर के थ्रू जो है कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर इसमें आपका सियालकोट वाला घर है, उसके अंदर एक आप लोगों का राउटर आप लोगों के लगा हुआ, वायरलेस राउटर लगा हुआ नीचे लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले लोग भी उसी के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आप लोगों का लैन कहलाएगा। अगर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ एक ही राउटर लगा, वायरलेस राउटर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो उस वायरलेस राउटर से सारी की सारी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये आप लोगों का लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। दोनों फ्लोर पे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों फ्लोर के ऊपर जो आगे उन राउटर्स की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब वो दोनों फ्लोर पे अलग अलग राउटर लगाए हैं, उसका मकसद ये है कि दोनों जगह पे सिग्नल्स आपको प्रॉपरली मिले। सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए हम लोगों ने राउटर लगाए, लेकिन दोनों राउटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, या वायरलेस लैन के जरिए या फिर किसी केबल के जरिए। मिसाल के तौर पे आपके घर के अंदर एक इंटरनेट की केबल आ रही है या टेलीफोन की केबल आके जो है ना आपके जो है ना वाईफाई राउटर के अंदर लगी हुई है। अब वाईफाई राउटर से ग्राउंड फ्लोर वाले कनेक्टेड है, अब उस वाईफाई राउटर से आपने केबल निकाली और अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाके जो दूसरा वायरलेस राउटर था उसमें आपने ड्रॉप कर दी, तो अब इन सब का नेटवर्क एक ही है, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, लिमिटेड लोकेशन पे है, ये आपस में टेलीफोन लाइन के जरिए कनेक्टेड नहीं है बल्कि वायरलेस लैन के जरिए से आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये आप लोगों का लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा, ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, पैन जो है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, जब से हम लोगों के ये स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए हैं, या आप कह लेंगे जी पाम टॉप जो है आप लोगों के जो डिवाइस आपके हथेली पर आ जाती हैं, या आप लोगों के जो लैपटॉप जिनके अंदर केबल नहीं लगती बल्कि वाईफाई नेटवर्क कार्ड होता है जिसके जरिए से कनेक्टेड होते हैं, तब से ये पैन का कॉन्सेप्ट आया जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा को या विंडोज 7 को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 2005-2006 के। तो पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है अमूमी तौर पर हर घर का, हर एक फैमिली का अपना अपना एक होता है कि आपके घर के अंदर आपके जो डिफरेंट डिवाइसेज हैं, चाहे वो आप लोगों का स्मार्ट टीवी है, चाहे वो आप लोगों का कोई होम अप्लाइंसेस आप लोगों की हैं, चाहे आप लोगों का वायरलेस प्रिंटर है, चाहे आप लोगों का कोई कह लेंगे जी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एक फैमिली का जो है ना उनके फोन्स हैं या प्रिंटर है या टैबलेट है, और सिर्फ एक फैमिली आपस में कनेक्टेड है, तो वो उसको हम लोग जो है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी एक बंदे की जो जाती मलकियत होता तो वो हम लोगों का पैन जो है ना वो कहलाता है। किसी स्मॉल ऑफिस के अंदर भी हो सकता है, किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकता है, और उसको सिर्फ एक फैमिली या एक पर्सन ही उसको जो है ना मैनेज कर रहा होगा। मतलब जो सबसे छोटा जो नेटवर्क की किस्म है ना, मतलब लैन से भी जो छोटी किस्म होती है ना, उसको हम लोग जो है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके अंदर जो है, ये आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि मेरे पास जो है ना सिर्फ दो जो है मेरे पास मोबाइल है, एक मोबाइल से मैं दूसरे मोबाइल के अंदर जो है तस्वीरें जो है या कोई मूवी वगैरह या कोई कॉन्टेंट जो है मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, तो अब दोनों मोबाइल्स को मैं आपस में ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट कर दिया, अब दरमियान में तीसरी कोई चीज नहीं है, भले इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ये मेरा कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ना आपका इंफ्रारेड के जरिए से भी हो सकता है, ये आप लोगों का जो ब्लूटूथ के जरिए भी हो सकता है, ये आप लोगों का वायरलेस लैन के जरिए से भी हो सकता है। जो आपने हॉटस्पॉट के जरिए से शेयरिंग की हुई है और आप अगर एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, एक गाड़ी के अंदर दो तीन चार पांच लोग हैं और एक हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्टेड है, तो वो आप लोगों का पैन ही कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क ही आप लोगों का कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी मॉल के अंदर गए हैं, किसी आप जो है कह लेंगे जी ऐसे प्लेस पे गए हैं, किसी जगह पे आउटिंग के लिए आप गए हैं, और वहाँ पे जो पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, जो फ्री वाईफाई है, जो आम तौर पे एयरपोर्ट वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह के अंदर होता है, तो फिर अगर आप वो उस पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो वो आप लोगों का पैन नहीं कहलाएगा। पैन का मतलब ये किसी एक फैमिली का, किसी एक पर्सन का, किसी लिमिटेड बिल्कुल छोटे से मुख्तसर से जगह पे सिर्फ दो तीन डिवाइसेस या फ्यू डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है हॉटस्पॉट के जरिए, जिसमें हॉटस्पॉट भी बड़े जबरदस्त एग्जांपल दिया, तो ये आप लोगों का पैन कहलाता है। सबसे छोटा नेटवर्क जो है ना आप लोगों का पैन होता है। पैन से बड़ा जो अमूमी तौर पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक बिल्डिंग के अंदर, एक कमरे के अंदर जो है, एक लैब के अंदर, वो हम लोगों का लैन होता है। और फिर मल्टीपल लैंस को जो अगर हम वैन लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो हम लोगों का मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल है। डब्ल्यू लैन जो है ना, ये डब्ल्यू लैन और लैन एक ही चीज है। लैन जो है वो केबल के जरिए से कनेक्ट होता है और डब्ल्यू लैन जो है ये वायरलेसली कनेक्ट होता है, मतलब इसके अंदर केबल नहीं आप लोगों को लगानी पड़ती, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों का स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर ये है कि आप लोगों के पास जिस तरह आप प्रिंटर शेयर कर लेते हैं ना, तो आप लोगों के पास जो है घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या वर्किंग प्लेस के अंदर आपके पास जो है वो एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, या आप लोगों के पास जो है ना एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, या आप लोगों के पास एक सैंड डिवाइस लगी हुई है आपके ऑफिस के अंदर और उसके ऊपर आपका फाइल सर्वर कन्फिगर किया हुआ है, और सारे एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों ने अपने सारी फाइलें जो है ना फाइल सर्वर के ऊपर आप लोगों ने अपने सेव करनी है, तो जो नेटवर्क आप लोगों के स्टोरेज से रिलेटेड होता है ना उसको हम लोग कहते हैं कि ये हम लोगों का स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर जो है ना आप लोगों के पास जो है नेटवर्क स्टोरेज आपको प्रोवाइड की जाती है और एम्प्लॉयज या यूजर जो है ना अपना डेटा जो है ना सेंट्रल लोकेशन के ऊपर जो है वो सेव करते हैं। लेकिन स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर जो आप लोगों की स्टोरेज होती है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड कनेक्शंस के जरिए से आपस में कनेक्टेड होती है, या मिसाल के तौर पे आप यूं समझ लें कि आपके रैक के अंदर जो है ना डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आप लोगों की लगी हुई है, अब फाइल सर्वर 1 है, फाइल सर्वर 2 है, फाइल सर्वर 3 है, अब उन तीनों का आपस में जो है ना फाइबर के थ्रू आपस में कनेक्शन बना हुआ है, अब वो आपके स्टोरेज की जो है ना एक अरे बनी हुई है। ये आगे चल के जब हम स्टोरेज को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग जो है ना सैन को स्टोरेज एरिया नेटवर्क को जो है हम लोग डिटेल्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, सैन जो है ना वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क को भी कहते हैं और सैन जो हम लोग सिस्टम एरिया नेटवर्क को भी कहते हैं। तो सिस्टम एरिया नेटवर्क के अंदर जो है ना जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट को, इसको हम लोग जो है ना क्लस्टर का मतलब ये होता है कि आपने दो आइडेंटिकल डिवाइसेस के जो है ना आपने उसको लॉजिकली इकट्ठा करके उसको एक डिवाइस के सूरत में आपने बना दिया, तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना ये आप लोगों का कहलाता है क्लस्टरिंग। कि आप अमूमी तौर पे हम लोग फेल ओवर के लिए या रिडंडेंसी के लिए जो है ना हम लोग सर्वर्स का जो है ना आपस में क्लस्टर बनाते हैं, जिसके अंदर क्लस्टर के अंदर अमूमी तौर पे आइडेंटिकल डिवाइसेस होती हैं और एक सेम कॉमन कनेक्शन के जरिए से वो जो है ना अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर एनवायरनमेंट। और क्लस्टर एनवायरनमेंट अमूमी तौर पे जो है ना जो क्लस्टर के रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो मेजर रिसोर्स होता है वो आप लोगों का सैन ही होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क ही होता है आप लोगों का। और मतलब इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने कोई सिमुलेशन परफॉर्म करनी है, आपने कोई मिसाइल टेस्टिंग करनी है, अब वो मिसाइल टेस्टिंग करनी है या आपने सिमुलेशन आपने को परफॉर्म करनी है, या कोई आपने बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन आपने यूज करनी है कि जो ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन है, कि कोई मल्टीमीडिया डिजाइनिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपने मूवी के अंदर जो है ना जिस तरह आप जुरासिक पार्क मूवी या गॉडज़िला मैट्रिक्स वगैरह, तो कोई 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर पोजर के अंदर माया के अंदर आप लोग काम कर रहे हो और उसके अंदर आपने दो या तीन कंप्यूटर्स की आपने कंप्यूटेशनल पावर को आपने कंबाइन करना है,
अब वो उसके लिए पहली कंडीशन तो है कि वो डिवाइसेस आइडेंटिकल हो। अब वो आइडेंटिकल डिवाइसेस तो तीन सर्वर आपके पास लगे, तीनों की आपने कंप्यूटेशनल पावर को आपने एक जगह इकट्ठा करके उनका क्लस्टर बना लिया, तो ये हम लोगों का कहलाएगा सिस्टम एरिया नेटवर्क। ठीक है, देन उसके बाद जो है होम एरिया नेटवर्क जो है, जिस तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो आप लोगों का हॉटस्पॉट उसके एग्जाम्पल है। होम एरिया नेटवर्क जो है एक होम के अंदर, एक घर के अंदर जितनी अप्लाइंसेज आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये पैन की तरह से ही होता है लेकिन इसके अंदर आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ जाते हैं। आजकल जो है जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं या जो वॉशिंग मशीन आ रही हैं या आपके जो बिजली का बोर्ड है या आपने जो क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर खास तौर पे एसीज जो है, जिस तरह ग्रीक एसी है, डॉलेंस वगैरह है, ये लोग इस तरह की फंक्शनलिटी दे रहे हैं कि आप अपने मोबाइल डिवाइस के जरिए से अपने होम अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक होम के अंदर, एक घर के अंदर जो डिवाइसेज आपस में आपके कनेक्टेड हैं वो आप लोगों का होम एरिया नेटवर्क आप लोगों का कहलाएगा। देन उसके बाद ये आप लोगों का OLAN, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल लैन जो है ना, इसके लिए आप जो है ना एक टर्मिनोलॉजी आप लिख लें, नोट कर लें, जिसको बोलते हैं पावर ऑन ईथरनेट, कि आप नेटवर्क के जरिए से किसी चीज को पावर ऑन कर सकते हैं। कि इसके अंदर जो है ना मल्टी पॉइंट लैन आर्किटेक्चर यूज होता है, पॉइंट ऑफ मल्टी पॉइंट लैन आर्किटेक्चर। ये खैर एक थोड़ी आगे की जो है ना वो टर्मिनोलॉजी है कि आपने जो है ना सिग्नल्स को आपने स्प्लिट करना है, तो उसके लिए जो है ना आप और इसके अंदर जो है ना आप होंगे पोलैन जो है ना फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड है ये आपके ना, आप जो है पावर ऑन ईथरनेट या आप यूं लिख लेंगे जी फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड है ये। आगे चल के जब हम लोग केबल टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से जो है OLAN के बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद एंटरप्राइज नेट, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, कि जिस तरह आप लोगों का होम एरिया नेटवर्क है ना, इसी तरह से आपके जो ऑफिस के अंदर जो आप लोगों का नेटवर्क बना हुआ है और ऑफिस के एम्प्लॉइज जो हैं वो आपस में जो कनेक्टेड हैं वो इंट्रानेट के जरिए से कनेक्टेड हैं। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट कह लेंगे जी किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क जो है ना, जिसके अंदर उनके पास लैन के ऊपर चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनको दिया हुआ है कि जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो है ना, किसी एक कंपनी की बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल होंडा कंपनी जो है, होंडा कंपनी के जो है फैक्ट्री के अंदर जो है डिफरेंट उनके जो है डिपार्टमेंट्स हैं, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक उनका वेयर हाउस है, एक उनका जो है ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है। तो उस फैक्ट्री के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, उस होंडा फैक्ट्री का अपना डेडिकेटेड नेटवर्क जो उसके अपने इम्प्लॉइज के लिए, मतलब बाहर से जो गेस्ट आएंगे, कस्टमर आएंगे, वो कनेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ अपने इम्प्लॉइज कनेक्टेड हैं, तो वो आप लोगों का एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क आप लोगों का कहलाएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क जो है ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, उनमें तौर पर स्टूडेंट्स को या आपके जो स्कूल का स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर, उनके लिए होता है। तो देन उसके बाद जो है ना वर्चुअल एरिया नेटवर्क, इसको वर्चुअल एरिया नेटवर्क नहीं है बेसिकली, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वर्चुअल एरिया नेटवर्क गलत लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये मेरे कंपनी के जो है ना सर्वर, वो कंपनी के डेटा सेंटर के अंदर जो रैक पड़ा हुआ है, उस रैक के अंदर जो फाइल सर्वर भी है, मेरा मेल सर्वर भी है, और जो है ना डेटाबेस सर्वर भी है, एंटीवायरस सर्वर भी है। रात को 10 बजे मुझे कॉल आती है कि जी यूजर्स जो है ना कंप्लेन कर रहे हैं, ईमेल्स नहीं चल रहे। तो अब मैं जाहिर है यहाँ से मूव करके मैं ऑफिस तो नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं घर से बैठे बैठे मैं कोई आईपी एड्रेस डायल करूँगा, कोई मैं वीपीएन सॉफ्टवेयर डायल करूँगा, और मैं ऑफिस के रिमोट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊँगा। और फिर उसके बाद जो कोई भी मैंने ट्रबल शूटिंग करनी है, जो कुछ भी मैंने उसके अंदर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, वो घर से बैठ के मैं करूँगा। अब वो घर से लेकर ऑफिस तक बजाय जाने के, आप रिमोटली जो कनेक्ट हो रहे हो उसके लिए आपका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, या आप जो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के जरिए से कनेक्ट हो रहे हो, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। तो आई होप के इसका आप लोगों का ओवरव्यू की हद तक आप लोगों को जो है ना इस चीज़ का ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज डिस्कस करना है वो है डोमेन और वर्क ग्रुप। डोमेन जो है, डोमेन कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को, और वर्क ग्रुप कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क को। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब है कि सारे के सारे डिवाइसेस इक्वालिटी के लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं कि आपके जो है एक सर्वर होता है एनवायरनमेंट में, और बाकी सारे के सारे आपके क्लाइंट होते हैं, मतलब सारी मशीनें आपके एक सेंट्रल सर्वर के मातहत होती हैं। जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन एनवायरनमेंट,
और जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग ग्रुप एनवायरमेंट। वर्ग ग्रुप एनवायरमेंट के अंदर आपके पास कोई सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं होती, जबकि डोमेन एनवायरमेंट के अंदर जिसको क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट कहते हैं, एक सर्वर के जरिए हम सारी मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्वर से बैठ के किसी क्लाइंट मशीन को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर जो है ना, लैब एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि कोई भी बच्चा जो है ना इंटरनेट ना चला सके, तो वो रिमोटली बैठ के सबका इंटरनेट डिसेबल कर दे, या जितने कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो गेम इंस्टॉल हुई है वो अन इंस्टॉल कर दे, या वो ये चाह रहा है कि जी किसी का भी जो है ना वो पेंट वाली एप्लीकेशन ना खुले, सिर्फ और सिर्फ वर्ड और एक्सेल खुले, तो वो सर्वर से बैठ के सारा कंट्रोल कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन एनवायरनमेंट या क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। हम लोग अपने इस कोर्स के अंदर देखेंगे दोनों चीजें ही, लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो हमारा क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट पे ही होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर इतना फोकस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके पास सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं होती कोई। अच्छा, इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को डोमेन और वर्ग ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ कि देखेंगे हमारे पास ये अभी आपको राइट और लेफ्ट पे दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेफ्ट साइड को अगर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास पांच कंप्यूटर हैं, पांचों कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 7 या विंडोज 10 इंस्टॉल है, और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है या वर्ग ग्रुप एनवायरमेंट है। एक यूजर है जिसका नाम है जुबैर। जुबैर जो है वो पहले दिन जो है वो कंप्यूटर यूज करने के लिए आया, और जुबैर ने आके ये कहा एडमिनिस्ट्रेटर को कि सर मैंने नया एडमिशन लिया है और मैंने इस मशीन को यूज करना है, विंडोज 7 की जो सबसे टॉप पे मशीन नजर आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उस कंप्यूटर को ऑन करेगा और उसके अंदर जाके जो है ना कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके लोकल यूजर में जाके जुबैर का एक यूजर बना देगा, और जुबैर को कहेगा कि जुबैर साहब ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है, आप यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे तो आप इंटर होजिंग अपना काम कर लेंगे। अगले दिन जुबैर साहब ये कहते हैं कि सर ये कंप्यूटर तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, मुझे आप किसी और जगह पे जो है ना आपको दूसरा कंप्यूटर साइन कर दें। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको मशीन नजर आ रही है, अगले दिन जुबैर साहब जो है ना अपना अकाउंट यहाँ पे बनवा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उनका अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता है, जुबैर साहब अपना काम करते हैं। तीसरे दिन जुबैर साहब कहते हैं कि सर मशीन तो ये जबरदस्त है, लेकिन मसला ये है कि आपने बिल्कुल ही मुझे कोने में बिठा दिया, वहां तो एसी की हवा भी नहीं लगती है और मैं गर्मी के अंदर बुरा हाल हो जाता है, तो आप काइंडली मुझे पंखे के नीचे एसी के नीचे आप कर दें। तो अब तीसरे दिन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर जुबैर का अकाउंट यहाँ पे इस मिडल वाली मशीन में बना देता है। तब जुबैर साहब ये चाह रहे हैं कि वो बहाने से उन्होंने पांचों कंप्यूटर पर बारी बारी लॉगिन करना है। अगर जुबैर ने पांचों कंप्यूटर्स पर लॉगिन करना है तो जरूरी है कि हर कंप्यूटर के ऊपर जुबैर का अकाउंट बना हुआ हो। अब इसके अंदर जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज है कि जुबैर ने जब लॉगिन होना है टॉप वाले कंप्यूटर पे, तो वो अपने कंप्यूटर के इंटरनल डेटाबेस से पूछेगा हाँ भी जुबैर का यूजर नेम पासवर्ड है, वो वेरीफाई करेगा, अलाउ कर देगा। फिर ये लेफ्ट साइड वाले या मिडल वाले या राइट साइड वाले किसी भी कंप्यूटर पर जुबैर ने लॉगिन करना है तो जरूरी है कि हर एक कंप्यूटर के ऊपर जुबैर का अकाउंट बना हो। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास पांच कंप्यूटर हैं और सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 6। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर को ये कहा गया है कि जी हर बच्चा हर स्टूडेंट जो है वो हर कंप्यूटर पर लॉगिन करे, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, 6 के 6 अकाउंट पहले इस मशीन पे बनाएगा, फिर इस पे बनाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, मतलब हर एक कंप्यूटर पे जाके पांचों के पांच कंप्यूटर पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना बारी बारी 6-6 अकाउंट कन्फिगर करेगा, 6 यूजर नेम पासवर्ड जो उन्होंने स्टूडेंट को बताएगा कि जी आपने ये यूजर नेम पासवर्ड इस कंप्यूटर पर लगाना है, ये यूजर नेम पासवर्ड इस पर लगाना है, ये यूजर नेम पासवर्ड इस पर लगाना, वो कॉमन भी रख सकता है, डिफरेंट भी रख सकता है। यानी इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज है, किसी कंप्यूटर में ऑन होने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर से अथॉरिटी नहीं लेनी, परमिशन नहीं लेनी, पूछना नहीं है। तो ये आप लोगों का ऐसा एनवायरमेंट कहलाता है वर्ग ग्रुप एनवायरमेंट या पीयर टू पीयर एनवायरमेंट। अगर हम राइट साइड वाली तस्वीर देखें तो राइट साइड वाली तस्वीर के अंदर जो है सबसे ऊपर वाली जो मशीन है इसके ऊपर जो है ना हम लोगों का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ, और इस पर विंडोज सर्वर 2008 है या 12 है या 16 है या 2019 है, कोई सर्वर इंस्टॉल हुआ, और बाकी जितनी नीचे मशीन है चारों मशीन है इन पे कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 7 है या विंडोज 10 है इस तरह की कोई चीज इंस्टॉल हुई हुई है। अब जुबैर साहब ये कहते हैं कि जी मैंने ये लैब यूज करनी है। अब मैं राइट साइड वाली पिक्चर की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट या फिर डोमेन एनवायरमेंट की, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है जुबैर का अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पे सर्वर पे जो टॉप पे इस पे बना देगा। अब जुबैर भले इस कंप्यूटर से लॉगिन करे या यहाँ से लॉगिन करे या यहाँ से करे या यहाँ से करे, तो चारों कंप्यूटर में से कहीं से भी लॉगिन करें तो ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है ना ये सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। सपोज राइट साइड वाले कंप्यूटर जुबैर साहब आगे बैठे हैं, उन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड जब पुट किया तो ये वेरिफिकेशन के लिए सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से पूछेगा हाँ भी जुबैर के नाम का डेटाबेस में कोई अकाउंट बना होगा, तो वो अलाउ कर देगा, वो कहेगा हाँ जी बना होगा, तो जुबैर साहब लॉगिन कर लेंगे, दूसरे कंप्यूटर पे कर लेंगे, तीसरे पे भी कर लेंगे, चौथे पे भी कर लेंगे। अब जो डोमेन एनवायरनमेंट होता है या क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर जो है आप लोगों की रिसोर्स मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होती है। अब अगर यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास पांच कंप्यूटर हैं और उसके अंदर 6 यूजर हैं,
तो छह बच्चों के, छह स्टूडेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर को छह जो है ना हर एक कंप्यूटर पे जाके बारी बारी अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे, मतलब पांच बार उसको ये काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, छहों के छह अकाउंट सिर्फ सर्वर पे जो एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन है, सेंट्रलाइज डायरेक्टरी डेटाबेस है, जो उसके अंदर सिर्फ छह अकाउंट बना देगा। अब वो स्टूडेंट जो है ना किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड किसी भी सिस्टम से लॉग इन कर सकते हैं। अब इस तरह का एनवायरनमेंट जहां पे आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट सेंट्रलाइज है, सारे के सारे कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर एक सर्वर के मातहत है, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट या डोमेन एनवायरनमेंट। डोमेन एनवायरनमेंट में एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के बाकी सारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। जी यहां तक बताएं, यहां तक सबसे क्लियर है या नहीं, समझ लगी है क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट की और वर्कग्रुप एनवायरनमेंट की, इनमें क्या डिफरेंस है? जी जी आ गई है जी। मारिया आपको क्लियर हुआ है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी क्लियर क्लियर है जी। वर्कग्रुप और डोमेन का हम लोगों ने मेन डिफरेंस आज जो है वो डिस्कस किया। वर्कग्रुप और डोमेन क्या होता है, नेटवर्क टाइप्स को हम लोगों ने देखा, मेजर हम लोगों ने लैन और पैन को हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया। नेटवर्क बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है, कनेक्टिविटी प्लस कम्युनिकेशन। देन उसके बाद जो है वो नेटवर्क का फायदा क्या, नेटवर्क की बेसिक अकसाम दो है, लैन और वैन है। और फिर जो है नीड बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डोमेन और वर्कग्रुप जो है वो क्या होता है। जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और जो इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज सर्वर 2019 है, कि विंडोज सर्वर 2019 जो है वो कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से रोल्स हैं और फीचर्स हैं। तो अमूमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्किंग प्लेसेस के अंदर या तो विंडोज सर्वर 2016 चल रहा है या विंडोज सर्वर 2019 चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम लोग 16 और 19 दोनों ही इंस्टॉल करके देखेंगे। तो कल से जो इंशाल्लाह हम लोगों का प्रैक्टिकल काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये लेक्चर को ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक चीज़ मैं आप लोगों को और वाजे कर दूँ कि सर्वर जो है, सर्वर लफ्ज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर्वर क्या होता है, सर्वर का काम होता है कि सर्व करना, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी को ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी को फाइल की सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी को एंटीवायरस की सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी को डेटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये बड़ी डेडिकेटेड एक मशीन होती है जिसके ऊपर बड़ा तगड़ा किस्म का हार्डवेयर लगा होता है, जिसके जो है ना बड़े अच्छे किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर बड़ा जो है ना कैपेसिटी का सीपीयू लगा होता है, बड़ी स्टोरेज होती है उसके, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। अच्छा, ऑन प्रीमिसेस, ऑन प्रीमिसेस का क्या मतलब है, जो आपके प्रीमिसेस में मौजूद है, जो आपकी बिल्डिंग में आपकी लोकेशन पर मौजूद है। अगर एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डेटा सेंटर के अंदर अपना सर्वर रखा हुआ है, चाहे वो पेडिस्टल सर्वर है चाहे वो रैक माउंटेड सर्वर है, अपना उनका सर्वर है, फिजिकल सर्वर है, तो ये आप लोगों का कहलाएगा ऑन प्रीमिसेस सर्वर। और अगर उन्होंने वो सर्वर अपने पास नहीं रखा हुआ बल्कि कहीं से उन्होंने होस्टिंग ली है, लाइक अमेजोन से, AWS से, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजूर से या गूगल से, तो फिर वो उनका क्लाउड सर्वर कहलाएगा, कि सर्वर उनका ऑन प्रीमिसेस नहीं पड़ा बल्कि क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है। सर्वर का काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लाइंट से क्या मुराद है, क्लाइंट के अंदर आप लोगों का लैपटॉप भी हो सकता है, क्लाइंट के अंदर आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, क्लाइंट के अंदर आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, क्लाइंट के अंदर आपकी टैबलेट भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मिसाल के तौर पर स्कूल के अंदर जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर बच्चे के पास अपनी अपनी टैबलेट है, तो वो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं। हर टीचर के पास अपना एक डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, वो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं। अब वो स्कूल के बच्चे जो स्कूल का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस करते हैं, जो स्कूल की लैब के अंदर जो है, स्कूल के सर्वर रूम के अंदर या डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर पड़ा है, वो वहां से कनेक्ट होते हैं, उससे अपनी फाइलें रिट्रीव करते हैं। उन्होंने कोई प्रिंट की कमांड देनी है तो वो ऑफिस, जो उनका स्कूल का ऑफिस है, क्लर्क के ऑफिस में जाएंगे और उन्हें कहेंगे, या लैब एडमिनिस्ट्रेटर के जो है वो डेस्कटॉप के साथ पड़ा हुआ जो कंप्यूटर, उससे कहेंगे कि सर मैंने प्रिंट की कमांड दिया तो काइंडली मेरा प्रिंट जो है ना वो मुझे दे दे। तो क्लाइंट जो है वो जो आम यूजर होता है ना, चाहे वो स्कूल का कोई तालिब इल्म है या किसी दफ्तर में काम करने वाला कोई आम वर्कर है, और उसके पास किसी तरह की भी डिवाइस है, चाहे लैपटॉप है, चाहे उसके पास पर्सनल पीसी है, चाहे उसके पास पॉम टॉप है, चाहे उसके पास स्मार्टफोन है, चाहे उसके पास टैबलेट है, ये चीजें कहलाती हैं क्लाइंट। और क्लाइंट के ऊपर एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो अमूमी तौर पर हम लोग घरों में हम लोग देख रहे हैं आजकल सबके लैपटॉप के ऊपर, या तो विंडोज 7 इंस्टॉल हुई है, या विंडोज विस्टा, या फिर विंडोज जो है 10 के नाम से, विंडोज 10। और जो माइक्रोसॉफ्ट का नया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज 11 है। तो विंडोज 11 या विंडोज 10 या विंडोज 7, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और जो सर्वर फैमिली है वो एंटायरली डिफरेंट होती है. उसका मकसद होता है कि क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, और उसके ऊपर फिर डिफरेंट टाइप के रोल्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं. फाइल सर्वर का रोल हो सकता है, डेटाबेस सर्वर का रोल हो सकता है, ईमेल सर्वर का रोल हो सकता है, प्रॉक्सी का रोल हो सकता है, डीएचसीपी का सर्वर का रोल हो सकता है, डीएनएस का रोल हो सकता है. इंशाल्लाह जो है ना हम लोग डिटेल के साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कल से इंशाल्लाह हम लोगों का जो है प्रैक्टिकल काम जो है इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा. तो आई होप कि यहाँ तक जो है आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा. अगर यहाँ तक किसी को किसी बात की समझ नहीं लगी तो वो डिस्कस कर ले, वो पूछ ले. यहाँ तक सबको क्लियर है? अमर भाई, आपने सैन की जो स्टोरेज एरिया, तो वो जो हमारे पास ये वन ड्राइव होती है और ये जो आई क्लाउड होता है हमारे पास, ये किस चीज की एग्जांपल है? ये स्टोरेज एरिया की एग्जांपल हो सकती है? नहीं नहीं, वो डिफरेंट चीजें हैं. वो जो है ना क्लाउड ड्राइव, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. जो आप लोगों का जो सैन होता है, ये आप लोगों का डेटा सेंटर के अंदर जो आपके जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जिसके अंदर आपके पास बल्क क्वांटिटी के अंदर टेराबाइट के अंदर या पेटाबाइट या एक्साबाइट के अंदर आपके पास स्टोरेज पड़ी हुई है, और वो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है ना आप लोगों के हार्ड ड्राइव्स की अरे बनी हुई है, या उनका कोई रेड कंट्रोलर के जरिए कोई रेड जो है ना कॉन्फ़िगर हुआ, रेड 5 कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, या उनका जो है ना रेड 6 कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है. तो ये जब स्टोरेज को हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसमें डिस्कस करेंगे स्टोरेज से रिलेटेड जो हमारा नेटवर्क होता है ना, उसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं. लेकिन मैं फिर आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, फिर आप लोगों को मैं कहूंगा कि अब आप लोगों के जो मेजर असाइनमेंट आएंगे, हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने जितना पढ़ा है, आप लोग ये 50 स्लाइड है मैंने आप लोगों को दी हैं, जो ये 50-50 स्लाइड्स को आप लोग गो थ्रू करें, इन स्लाइड्स को आप एक बार रिव्यू करें, और जिस चीज को आप लोगों को समझ नहीं लगती वो आप लोग नेट के ऊपर सर्च करें. मैंने तो आप लोगों को बिल्कुल एक शॉर्ट सा आप लोगों को एक ब्रीफली ओवरव्यू दिया इसका नेटवर्क टाइप्स का. तो आप लोग खुद से जो है ना काइंडली इसको नेट के ऊपर सर्च करके डिटेल में पढ़ेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर और कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर, या एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क में और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है. हाँ जी, और कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? राउटर के आपने 2 टाइप्स बताई थी, एक वायरलेस होता है और एक टाइप 3, क्या बताया था दूसरा? L3 लेयर 3 राउटर. लेयर 3, कोई आपसे अगर पूछता है कि राउटर किसे कहते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि दौरे जदीद का डाखाना है. डाखाने के अंदर क्या होता है कि डाखाने के अंदर जो है ना जो डाक आती है ना, उसकी सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है. पूरे मुल्क से या मुल्क से बाहर से खतूत आते हैं, पार्सल आते हैं, तो वो देखा जाता है कि हाँ जी ये सरगोधा के पार्सल है, इसमें सेटलर टाउन का कौन सा, फारूक कॉलोनी का कौन सा, न्यू सेटलर टाउन का कौन सा, मॉडल टाउन का कौन सा, अजीज भट्टी टाउन का कौन सा, ठीक है, या 15 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 16 ब्लॉक का कौन कौन सा पार्सल है. तो जिस जिस इलाके का पार्सल है उन इलाकों के डाखानों के अंदर उसको जो है ना मेल को या डाक को भेज दिया जाता है. तो लेयर 3 से मुराद ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा एक नेटवर्क का OSI मॉडल होता है जिसकी 6 लेयर, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं. OSI मॉडल की जो है ना डिफरेंट 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स के ऊपर हर एक लेयर का जो है ना डेडिकेटेड काम होता है. तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना, अगर बॉटम से हम शुरू करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर. तो फिजिकल लेयर के अंदर जो है ना आप लोगों के जो लैन कार्ड होते हैं ये कनेक्ट होते हैं. देन उसके बाद जो है उसके बाद आती है आपके डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपके स्विचेस काम करते हैं. फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ना बॉटम से टॉप पे हम लोग आ रहे हैं, तो जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेयर. तो नेटवर्क लेयर के ऊपर आप लोगों के जो नेटवर्क के पैकेट्स आते हैं उनके सेगमेंटेशन होती है, उनके सॉर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है. और लेयर 3 की जो डिवाइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं राउटर. तो जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जब हम IP एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक चीज होती है सबनेट. सबनेट को आप अंडरस्टैंड करने के लिए समझ लें कि जी एरिया कोड, के या आप कंट्री कोड कह लें, या पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है +92 है, जो UAE का कंट्री कोड है +971 है, सऊदी का जो कंट्री कोड है वो +966 है, ओमान का जो कंट्री कोड है +968 है. तो ये जो डिफरेंट एरिया कोड्स है ना, इसी तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स या डिफरेंट एरियाज होते हैं. तो वो डिफरेंट एरियाज की आपस में कम्युनिकेशन करवाना वो लेयर 3 का राउटर होता है, जो कि और ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट है WAN का, वाइड एरिया नेटवर्क का. तो हमारा फोकस जो है ज्यादा जो है ना वो लैन के ऊपर होगा, फैन को हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. तो बार के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा जब IP एड्रेसिंग सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेट पे पढ़ेंगे, तो उन दिनों में हम लोग जो है ना राउटर को भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे. आपको उसका इंटरफेस वगैरह भी मैं दिखाऊंगा, उसकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा. जी यहाँ तक कोई और क्वेश्चन किसी का, किसी ने कुछ पूछना, कुछ डिस्कस कर. मेरे भाई, हमारे आमतौर पर जो VPN लफ्ज यूज होता रहा है अब तक, वो उसका कोई साइट नहीं खुल रही आपकी, या गेमों के अंदर VPN यूज कर रहे हैं लोग, ये आपने जो है कभी कॉन्सेप्ट दिया कि एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी हर एक की वहां तक रसाई नहीं होती, ये कैसे
आपस में एक बात है, मतलब हम लोग तो वीपीएन ये समझते हैं कि कोई इलीगल चीज होती है जो आपका आईपी एड्रेस चेंज करके जिस वीपीएन की आप बात कर रहे हैं वो वाकई इलीगल चीज है। वो वीपीएन जो है ना बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट इसका यही होता है कि वो किसी एक, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक साइट जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ब्लॉक हुई हुई है, लेकिन वही साइट जो है ना वो यूरोप के अंदर अलाउ है। तो आपका कोई दोस्त जो है ना वो नॉर्वे के अंदर है, वो आपको बताता है कि यार मैं आपको जो है ना एक वीपीएन बता रहा हूँ, वीपीएन एप्लीकेशन, आप इस वीपीएन एप्लीकेशन को जो है ना आप डाउनलोड करें। तो वो क्या होता है कि आप ये बेशक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि आप जब अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं, अपने जीएसएम राउटर से कनेक्ट हुए हैं या वायरलेस राउटर से कनेक्ट हुए हैं आप लोग, तो उस वक्त जो आप लोगों को आईपी एड्रेस मिला वो आपके डिफरेंट होगा। जो ही आप वीपीएन एप्लीकेशन डायल करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होंगे और आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेगा और आप किसी दूसरे नेटवर्क का पार्ट बनेंगे। जब आप दूसरे नेटवर्क का पार्ट बनेंगे तो आपके जो लोकल नेटवर्क है वो आप लोगों का बाईपास हो जाएगा वो आपका, तो फिर आपके ऊपर लोकल नेटवर्क वाले रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, बल्कि आपके पास पॉलिसीज जो है वो आपके जो डेस्टिनेशन जो है आपके वहां की पॉलिसीज आपके ऊपर लगेंगे। अच्छा, अब आपको तो पता नहीं है, लेकिन लॉजिकली क्या हुआ है कि आप उनके नेटवर्क का पार्ट बन गए हो जो कि स्वीडन के अंदर है या नॉर्वे के अंदर है या बेल्जियम में है या फ्रांस में कहीं पे है। तो अब चूंकि आप उनके नेटवर्क का पार्ट हो तो वो आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके डिवाइस के अंदर पेनिट्रेशन कर सकते हैं। वो आप लोगों का एक लूप होल बन जाता है कि जब आप उनके नेटवर्क से कनेक्ट हुए तो आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को अडॉप्ट किया, आपके डिवाइस के ऊपर उनकी पॉलिसीज लग गई, तो अब आप उनके नेटवर्क का हिस्सा हो। आपको नहीं पता, यूजर को नहीं पता, इलीगल इस वजह से है कि चूंकि उनके नेटवर्क का, उनके इंटरप्राइज का पार्ट बन गए हो, वर्चुअली किसी दूसरे रिमोट एरिया से कनेक्टेड हो, तो वो आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। सही सही सही, थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन, किसने कुछ डिस्कस करना हो? आज लग रहा है कि बच्चों को तो मुश्किल लगा, तो खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल से इंशाल्लाह हम लोगों का प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाएगा। तो आगे जो है ना हम लोगों में इंशाल्लाह सारे का सारा थ्रू आउट कोर्स जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ये अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा पैशन के साथ आप ये करें तो इसके अंदर ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बंदे को एडिक्शन हो जाती है, बंदे का खुद ही दिल करता है कि यार मैं करके देखूं, कोई नई चीज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, कोई नई चीज मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और जब वो सक्सेसफुल आप वो काम कर लेते हो तो बंदे को बड़ा एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है कि जैसे उसने पता नहीं क्या चीज अचीव कर ली हुई है। तो बड़ी मजे की फील्ड है ये, कंपैरेटिवली एक आसान डोमेन है एज कम्पेयर टू डेटाबेस, एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग, एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग जो है ना तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ, पैशन के साथ जो है ना आप इसको आप करें, रोजाना के लेक्चर को रिवाइज करें। थ्योरी का मेजर पोर्शन हम लोगों का कवर हो गया, बाकी नीड बेसिस के ऊपर जितनी हम लोगों को जरूरत होगी उतने बकदर जरूरत हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, इंशाल्लाह हमारा सारा काम प्रैक्टिकल ही है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को जो है यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम लोगों से